हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑरेंज और पोमेग्रेनेट के जूस की रेसिपी, जो मैं घर में जो हम लोग का मिक्सर है उसी में बना के दिखाऊंगी। इस रेसिपी के लिए कोई जूसर का ज़रूरत नहीं है, तो चलिए बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मिक्सर में कुछ ऑरेंज ऐसे छिलका हटा के मैंने डाला है। मैं यहाँ पर 3 ऑरेंज लिया हूँ। बस आप ऐसे डाल दीजिए। और 1 चम्मच शुगर, आप ये स्किप कर सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं चाहिए, और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। बस इसको हल्का हल्का आपको खाली मिक्स देना है। अगर आप एक साथ दे देंगे तो जो सीड्स है ऑरेंज का सारा टूट जाएंगे और जो जूस है ये सारा करवा हो जाएंगे और बिगड़ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑरेंज जूस में हम लोग को बहुत हल्का ही मिक्सर चलाना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है ताकि जो सीड्स है वो ना टूट जाए। और ऐसे 1 स्पून से आप इसको प्रेस करके जो जूस है निकाल दीजिए। ऐसे मैंने इधर में एक स्टील का चलनी लिया है। स्टील का चलनी होने से आपका जूस बहुत अच्छा से निकल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर चलनी से भी जूस निकाल सकते हैं। बस ऑरेंज जूस रेडी है, इसे हम लोग एक ग्लास में ऐसे डाल लेंगे। और अभी चलिए मैं पोमेग्रेनेट भी संग संग दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 बड़ा पोमेग्रेनेट का सीड्स निकाल लिया है और मैंने मिक्सर में ये सारा सीड्स डाल दिया है। इसमें फिर से 1 चम्मच शुगर जाएंगे और थोड़ा सा ही रॉक सॉल्ट। बस इसे हम लोग थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। जूस निकालते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो जो जूस होता है वो कड़वा हो जाता है और पीने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस हो गया। इसे अभी हम लोग वही तरीका से ऐसे 1 स्पून से इसको प्रेस करके सारा जो जूस है हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। और बाकी का जो पल्प रह जाता है ये हम लोग फेंक देंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा से फ्रेश जूस हम लोग इधर निकल रहा है। तो है ना, ये बहुत ही आसान तरीका जूस निकालने का। आपको क्यों जूसर का झंझट लेना है जब जूस इसी तरीका से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आज मैं खाली 2 जूस का ही रेसिपी लाई हूँ। मेरा और आने वाले वीडियो में मैं आपको और नए नए जूस का रेसिपी बना के दिखाऊँगी। तो आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।